दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, बताइए, वर्टिकल ड्रिलिंग को क्या अभी हॉल्ट किया जाएगा? अगर ये रैट माइनिंग के जरिए ये मजदूर आगे तक निकल गए और अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंच गए, उस वक्त वर्टिकल ड्रिलिंग करना कितना सेफ होगा? 30 मीटर तक ड्रिलिंग हुई है, क्या अब भी ड्रिलिंग जारी है? बिल्कुल आनंद, क्योंकि ड्रिलिंग अभी भी यहां पर जारी है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि क्या वर्टिकल ड्रिलिंग से किसी तरह की दिक्कत, जहां से रेट माइनर्स घुस रहे हैं, जो मेन गेट है टनल का, वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो इसको लेकर ऑफिसर्स का कहना था कि ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल इसमें नहीं आने वाली है। पूरे जो साइंटिस्ट यहां पर मौजूद है, जो एक्सपर्ट मौजूद है, उन्होंने सब कुछ का आकलन करने के बाद ये वर्टिकल ड्रिलिंग यहां पर चल रही है। और यह भी माना गया था कि वर्टिकल ड्रिलिंग कल से शुरू हुई थी, 30 मीटर पहुंच चुकी है, 100 घंटे का वक्त, लगभग 4 दिन का वक्त यहां पर बताया गया है कि 4 दिन में यह ड्रिल यहां पर कंप्लीट होगी। यानी सोम, मंगल, गुरुवार तक यह माना जा रहा है कि गुरुवार तक कम से कम यह वर्टिकल ड्रिलिंग यहां कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन रेट माइनर्स की जिस तरह हमने खबर दिखाई कि रेट माइनर्स इसके एक्सपर्ट है, जब मैन्युअली काम होगा, और आज हमारी सुबह प्रवीण यादव, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले जितने ऑब्स्टिकल बीच में उन्हें काट के हटाया, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि यहां पर प्लाज्मा कटर जो हैदराबाद से मंगवाया गया था, उससे उतना काम आसान नहीं हुआ जितना हम मैन्युअली कर पा रहे हैं। उनका यह कहना था कि जिस तरह हम घर में कभी किसी मकान कोई टूटता है या भूकंप के बाद हम जब देखते हैं कि ड्रिल करके और हाथ से गैस कटर की मदद से वहां पर काम किया जाता है, तो वो काफी आसान रहता है। साथ ही साथ अब ऑक्सीजन ब्लोवर भी वहां पर मौजूद रहेगा, तो ऑक्सीजन ब्लोवर होने से 45 मीटर के पाइप के अंदर जब रेड माइनिंग भी होगी और वहां कटिंग का काम भी होगा, तो उन्हें ऑक्सीजन वहां पर पूरी तरीके से मिलेगी, तो वो भी एक राहत की खबर है। लेकिन हाँ, वर्टिकल ड्रिलिंग और जितने ऑप्शंस आपने अभी बताए, वो सभी ऑप्शंस पे लगातार काम चलता रहेगा जब तक फाइनली किसी एक ऑप्शन से मजदूरों तक नहीं पहुंचा जाता। आनंद जी, ये मजदूरों तक पहुंचना आवश्यक है, और किसी न कहीं कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इंटेंट दिख रहा है, जब पीएमओ से अधिकारी और खासकर प्रधानमंत्री के विशिष्ट एडवाइजर और पीके मिश्रा जी के साथ वहाँ टीम पहुंच जाती है आज सुबह, तो आप सोच सकते हैं कि कितना सीरियसली इसे लिया जा रहा है। और पल पल की खबर और अपडेट प्रधानमंत्री को भी दी जा रही है और प्रधानमंत्री के ऑफिस से भी ये अपडेट ली जा रही है। वो खुद वहाँ अब जमीन पर पहुँच गए ये जानने के लिए कि अंडरग्राउंड सिचुएशन, अंदर हालात क्या है, क्योंकि बाहर से रहकर हम चाहे जितने भी अनुमान लगा लें, अंदर जाकर आप सही तस्वीर देखेंगे तभी पता लगेगा कि कितना मुश्किल ये काम। वहीं उत्तरकाशी रेस्क्यू से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑगर मशीन को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है और इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की है। फिलहाल प्लान बी के तहत काम जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ही इस बात की पुष्टि की थी कि ऑगर मशीन के टूटे हुए पुर्जों को वहां से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया है। अब वो रास्ता साफ है लघुमन की मैनुअल ड्रिलिंग अब वहां पर हो सके, मैनुअल वहां पर डिगिंग हो सके, तो ये रैट माइनर्स वही काम करेंगे। और धीरे धीरे अगर और भी वहां पुर्जे हैं, टुकड़े हैं, मशीनी टुकड़े हैं, सलिए हैं, उन सबको धीरे धीरे छोटे ड्रिल से काट कर उसको बाहर निकालेंगे। अब वहीं उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अब बिना ऑगर मशीन के किया जा रहा है। एक दिन पहले यानी शनिवार को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट से बात कर ने इस बात की जानकारी दी थी कि अब कोई और ऑगर मशीन आएगा नहीं और अब वहां पर मशीन का प्रयोग होगा नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन अब बिना ऑगर मशीन के किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऑगर मशीन से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सिलकियारा टनल में दोबारा खुदाई शुरू की गई तो मशीन के ब्लेड में लोहे के छड़ आने से वो फिर से टूट गए। तो ये हुआ, अब ये मशीन ड्रिल कर रही थी अंदर, एक एक करके इसके ब्लेड्स टूट गए और इसके अंदर यहाँ पर इमेजिंग, ग्राउंड प्रोसेस इमेजिंग जो है, रेडार इमेजिंग, ये नहीं कैप्चर कर पाया कि यहाँ पर और भी सलिए और कुछ मशीन के और टुकड़े फंसे हैं। अगर मशीन जब अंदर ड्रिल कर रही थी तो उसके ब्लेड घूमते हुए इन सलियों से पड़ गए और वो ब्लेड टूट गए। धीरे धीरे और ज़्यादा ब्लेड टूटने की वजह से अगर मशीन की पाइप ही टूट गई और वो अंदर ही फंस गया, जिसकी वजह से आगे ड्रिलिंग नहीं कर पाए। अब मशीन के ब्लेड टूटने की वजह से रेस्क्यू का काम राहत बचाव की टीम की ओर से फिर से उनको रोकना पड़ा और फिर उनको सारे ये टूटे हुए पुर्जे धीरे धीरे करके निकालने पड़े, जिसके बाद उन्हें सबसे पहले ऑगर मशीन को सुरंग से बाहर निकालने का काम शुरू करना पड़ा। ब्लेड वहां अंदर फंसे हुए थे, उनको भी धीरे धीरे निकालना है। अब फैसला लिया गया कि देखिए, ड्रिलिंग का काम ऑगर मशीन से नहीं बल्कि मैनुअल तरीके से किया जाएगा, क्योंकि आखिर के 10-12 मीटर हैं
बार बार ड्रिलिंग के दौरान बाधा आने की वजह से ऑगर मशीन खराब हो रही है और रेस्क्यू के काम को रोकना पड़ रहा है, तो इससे विलंब हो रहा है और कहीं ना कहीं ये कॉल लिया गया कि देखिए अब ऐसा करते हैं कि आखिर के जो 10 मीटर हैं इसको मैन्युअली रैट माइनर्स के द्वारा और उनकी मदद से हम इसको ड्रिलिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे ही सही समय लगेगा, संयम बरतना पड़ेगा, उत्सुकता बढ़ रही है लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 24 से 36 घंटे तक कामयाबी की उम्मीद है। प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं। प्रियंका, 6 वर्कर्स अंदर जा चुके हैं और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक दृढ़ निश्चय सामने आ रहा है, एक कि हम कुछ भी हो दिन रात एक कर देंगे लेकिन 24 से 30 घंटों के अंदर उन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस भी वो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जब उनसे आनंद ये पूछा गया कि क्या इस तरीके की एडवर्स कंडीशंस में उन्होंने पहले कभी काम किया है, इस तरीके के मिशन में काम किया है, तो उनका ये कहना था कि 800 mm डायमीटर का टनल बहुत होता है और साथ ही साथ उसमें सपोर्ट करने के लिए भी उनको ऑक्सीजन सिलेंडर, उनको ऑक्सीजन भी पहुँचाई जाएगी, ब्लोअर लगाए जा रहे हैं, एग्जॉस्ट लगाए जा रहे हैं ताकि सफोकेशन उन लोगों को ना हो। उनके पास अपने औजार हैं, औजार में भी अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि मेनली हम हाथ के औजारों का इस्तेमाल करेंगे पर अगर कुछ लोहा या इस तरीके का गर्डर जिस तरीके का परसों फंसा था उस तरीके का अगर आता तो उसको फिर से बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो गैस कटर है उसकी मदद से ही काटा जाएगा। पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और एक बात आनंद जिन्होंने मुझसे बात करते हुए कही थी, ये कहा था कि हम मजदूर हैं और हम समझ रहे हैं कि उस तरफ भी मजदूर हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि हम उनको सुरक्षित बाहर निकालें, इसलिए हम 100% देंगे। उनका कहना था बिना रुके 24 घंटे भी अगर वो काम करते हैं तो यही 24 से 36 घंटे का समय है जब ये ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी। जो सवाल